मैं संत कबीर नगर जनपद का रहने वाला हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है और विगत 1.5-2 वर्षों से मैं राजनीति में सक्रिय रहा। जी देखिए, जो भी आदमी राजनीति में होता है उसका सबसे पहला काम ये होता है कि अपने क्षेत्र के जनता के लिए कुछ अच्छा कर सके, कुछ विकास कर सके। और संत कबीर नगर जनपद को ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक बना सकूँ, यहाँ रोज़गार का अवसर मुहैया करा सकूँ, इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो चाहिए कि सत्ता में हमारा से हो। इसी के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स में आया। देखिए, सबसे पहला ध्यान यहाँ पे मैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हेल्थ केयर और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों हमारा सबसे प्राथमिक काम है जो इस क्षेत्र के अंदर होगा। और केंद्र सरकार से कुछ विशेष योजनाओं की ज़रूरत है क्योंकि संत कबीर नगर ज़िला अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे ज़रूरी है एक परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर का होना सोसाइटी के अंदर। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट होगा, और सबसे बड़ा जो सोर्स है वुमेन एम्पावरमेंट का, वो है एजुकेशन, शिक्षाओं की तरफ। जैसे एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा वो बताया कि हर ब्लॉक के अंदर कम से कम एक कन्या विद्यालय, सरकारी कन्या विद्यालय हो, जिससे एजुकेशन काफ़ी तेज़ी से महिलाओं में पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी गवर्नमेंट सेक्टर में उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, और लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से हो कि हर लड़की बहुत फ्री फील करे कहीं आने जाने में, बाहर निकलने में। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि पहला वर्ष जो मेरा वो ये शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके ऊपर होगा। और अगर एक वर्ष में मैं इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में सफल हुआ तो उसके बाद मैं हेल्थ केयर और एजुकेशन, बाकी 4 साल हेल्थ केयर और एजुकेशन के ऊपर मैं दूंगा।